नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति। जहां इस वक्त की बड़ी खबर जमुई से सामने आ रही है, जहां पर अपराधियों ने SBI बैंक से करीब 16 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है। जी हां, बता दें आपको कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी वहां पर जुटी है और जांच कर रही है। साफ तौर से अभी आपको बता दें कि अपराधी जो है वो 2 बाइक पर सवार होकर आए थे, 5 की संख्या में थे, और साफ तौर से बता दें कि इनके पास हथियार भी था और हथियार के बल पर SBI के बैंक शाखा से करीब 16 लाख की लूट को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले में थानू यादव का नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन अभी पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। साफ तौर से अभी आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा चकाई बाजार में लगभग 16 लाख की लूट हुई है, जिसमें कि 12 लाख का गोल्ड सहित 16 लाख की डकैती हुई है। बैंक स्टाफ को हथियार के बल पर अपने कब्जे में ले लिया गया और फिर इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि जो इसमें अपराधी आए थे वो 5 की संख्या में आए थे, उनके पास हथियार भी थे। बैंक कर्मी के साथ पहले मारपीट, फिर चकाई थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर स्टेट बैंक की जो शाखा है वहां से ये अपराधी जो है करीब 16 लाख के जो कैश है वो और उसके साथ ही कुछ गोल्ड जो है वो लूट कर ले गए। बता दें कि इस मामले को लेकर चकाई पुलिस भी बैंक में पहुँच कर पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है और ये बैंक जो है उसको पूरी तरीके से सील कर लिया गया है और तमाम चीजों पर नजर भी बनाए हुए हैं। यह भी आपको बता दें कि किस तरीके से अपराधी जो है आए दिन बैंक को ही अपना निशाना बना रहे हैं, और पिछले कई दिनों की बात हम आपको बता दें तो लगातार अपराधी जो है ICICI बैंक में पहुंच रहे हैं, PNB जो बैंक शाखा है उसमें पहुंच रहे हैं और बड़े लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से ऐसे बिहार में अपराधी कैसे बेलगाम हो गए हैं और ऐसे आए दिन लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये ताज़ा मामला जो है वो जमुई के चकाई थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पर जो अपराधी है वे बेखौफ होकर हथियार के बल पर पहले अंदर घुसते हैं और फिर जो मौजूद होते हैं उस बैंक में स्टाफ उनके साथ पहले मारपीट करते हैं और कुछ गोल्ड के साथ साथ जो नकद है वो भी उड़ाकर ले जाते हैं। इस पूरे मामले में जो थानू यादव है नक्सली है उसका नाम सामने आया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है वो भी जांच में जुटी हुई है और तमाम चीज़ों के बारे में पुलिस वहां पर छानबीन कर रही है। CCTV फुटेज जो है वो भी खंगाला जा रहा है और इन तमाम चीज़ों के बाद ही चीज़ें सामने आएगी कि आखिर इसमें जो थानू यादव का नाम सामने आ रहा है वो इसमें संलिप्त है भी या नहीं है। तो देखिए, ये बड़ी खबर जमुई से सामने आई है, तो बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।